सुजानपुर टेहरा में वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 4 की महिलाओं द्वारा उपमंडल अधिकारी शिल्पा को ज्ञापन दिया गया कि आवारा पशुओं का आतंक इतना बढ़ चुका है कि हमारी फसलों को ही तबाह नहीं कर रहे बल्कि बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर भी हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने खंड अधिकारी से गुहार लगाई है कि आवारा पशुओं से बाढ़वासियों को राहत दिलाई जाए। सुजानपुर टिहरा में वार्ड नंबर 3 वार्ड नंबर 4 के महिलाओं द्वारा उपमंडल अधिकारी शिल्पा को ज्ञापन दिया है कि आवारा पशुओं का आतंक इतना बढ़ गया है कि हमारी फसलों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर भी हमला करने से परहेज नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आवारा जानवर भी इतने आक्रमण हो गए हैं कि राह चलते आदमी पर हमला करने से भी नहीं चूकते, जिसके लिए उन्होंने उपखंड अधिकारी से गुहार लगाई है कि आवारा पशुओं से बाढ़वासियों को राहत दिलाई जाए। इसके बारे में उपमंडल अधिकारी ने बताया कि आवारा पशुओं को लेकर गौशाला का निर्माण सुजानपुर शहर में किया जा रहा है और इसके बारे में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवा दिया है और शीघ्र ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आए हैं जो हमने पशु बांध के रखे हैं, इनके लिए कोई जल्दी कोई समाधान निकाला जाए कि ताकि हमें राहत की सांस ले सके। 15 दिन से हम इनको एक एक करके बांध रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बड़ी जान को जोखिम में डालकर। लड़का, एक लड़का है, इसको वो उसको कभी दरख्त के ऊपर से शिस्त लगा के, रस्सा सींग में लगा के, कभी कुछ ऐसे ऐसे करके हमने 15 दिन। ये आवारा पशु आपके खेतों को नुकसान? बिल्कुल, फसल उजाड़ के रख दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। अभी हमारे जो पशु है उनको हमें ये घास तो कुछ नहीं, अभी खेत में जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हम आवारा पशुओं के आतंक से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो हमारे घर तक आ गए हैं, वो हमारी सारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है उससे। हम कहीं बाहर नहीं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, मारने वाले ऐसे जानवर हैं आ रहे हैं उस, और हमारी सारी फसल उन्होंने खा ली है। हम एसडीएम साहब के पास आए थे अपनी परेशानी को लेकर कि वो कुछ उपाय करें इसके लिए, जल्दी से जल्दी कोई सुझाव दें हमें।